नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट करके भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर अपनी चिंता जताई, साथ ही आर्थिक सुनामी के लिए चेताने की बात कहते हुए बीजेपी और मीडिया के जरिए मजाक उड़ाए जाने का भी जिक्र किया। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, लघु और मध्यम उद्यम बर्बाद हो गए हैं, बड़ी कंपनियां गंभीर तनाव की स्थिति में हैं, बैंक संकट में हैं। मैंने महीनों पहले कहा था कि एक आर्थिक सुनामी आ रही है और देश की इस सच्चाई के बारे में चेताने पर बीजेपी और मीडिया ने मेरा मजाक उड़ाया था। इससे पहले मंगलवार को भी राहुल गांधी ने आर्थिक चुनौतियों को लेकर सरकार पर हमला बोला था। राहुल गांधी ने मौजूदा वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था में भारी गिरावट के अनुमानों पर कहा कि सरकार का आर्थिक कुप्रबंधन लाखों परिवारों को बर्बाद करने वाला है। आपको बता दें कि राहुल गांधी कोरोना संकट और आर्थिक चुनौतियों को लेकर लगातार बोल रहे हैं। उन्होंने कोरोना को लेकर भी काफी पहले बोलना शुरू कर दिया था। वहीं काफी पहले उन्होंने ये भी कहा था कि अगर सरकार ने लॉकडाउन के चलते खत्म हुए कारोबार को उबारने के लिए जरूरी कदम नहीं उठाए तो हमें आर्थिक स्तर पर एक सुनामी का सामना करना पड़ेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।